अभी इंस्टाग्राम रील्स पे एक न्यू वीडियो काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है, उस वीडियो को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। गाइस इस वीडियो में साउंड यूज हुआ है, हाय ये इंस्टाग्राम वाला है। इस साउंड पे अभी जो भी रील्स वीडियो क्रिएट करके इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा है उसके वीडियोज पे बहुत सारे व्यूज और लाइक्स आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप भी इस साउंड पे ऐसी रील्स वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस इस वीडियो को हम एडिट करने वाले हैं VN एप्लीकेशन से। तो आपको VN एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। गैलरी का ऑप्शन शो हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक दो सेकंड का वीडियो सिलेक्ट करना है। हाय ये इंस्टाग्राम वाला है। गाइस ये जो वीडियो क्लिप है हाय ये इंस्टाग्राम वाला है, दो सेकंड का ये वीडियो क्लिप है और इसे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस इसे डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इस वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटोज ऐड कर लेना है। इस वीडियो में आपको यहाँ पे 5 से 6 फोटोज ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फोटोज ऐड कर लेता हूँ। गाइस यहाँ पे आपको फोटो सिलेक्ट करना है, उसके बाद एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे VN एप्लीकेशन में फोटोज ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटोज ऐड हो गया। अब गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको ऊपर की तरफ टैप टू ऐड म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एडिट के सामने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं जिस वीडियो से म्यूजिक एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ उस वीडियो को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर लेता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं मैंने म्यूजिक ऐड कर लिया, आपको भी म्यूजिक ऐड कर लेना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले म्यूजिक में बीट्स ऐड करना है। तो सिंपली आपको म्यूजिक को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको बीट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको म्यूजिक को प्ले करना है और यहाँ पे आपको बीट्स ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे म्यूजिक में बीट्स ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने म्यूजिक में बीट्स ऐड कर लिया। बीट्स ऐड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे फोटोज को सिलेक्ट करना है और इसे आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे सेकंड बीट्स के सामने कर देना है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे अगले फोटोज को सिलेक्ट करना है और इसे भी आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे थर्ड बीट के सामने कर देना है। इस प्रकार से आपको सारे यहाँ पे फोटोज को स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे बीट्स के सामने कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारे फोटोज को बीट के हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेता हूँ स्क्रॉल करके। गाइस मैंने सारे फोटोज को यहाँ पे बीट के हिसाब से सेट कर लिया। अब लास्ट में आपको मिल जाता है VN एप्लीकेशन का वाटर मार्क, तो सिंपली आपको इसे डिलीट करना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको फोटोज में VFX ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आपको फोटोज को फर्स्ट फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको VFX वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको VFX बहुत सारे मिल जाएंगे तो यहाँ से आप VFX ऐड कर सकते हो, इस फ्लैश VFX को या सिक VFX को। तो यहाँ पे आपको VFX ऐड कर लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पे अगले फोटोज को सिलेक्ट करना है और VFX पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर आपको दूसरे VFX को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद टिक पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सारे फोटोज में VFX ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे VFX ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे फोटोज में VFX ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आपको कर्सर को यहाँ पे फर्स्ट फोटो के सामने लेके आना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड ओवरले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वीडियोज एंड फोटोज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक इफेक्ट को ऐड कर लेना है। इस इफेक्ट को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं इस इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। कैसे इस इफेक्ट को ऐड कर लेने के बाद आपको इसे स्क्रॉल करना है और इसे आपको फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ, तो इस ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे टिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइटिंग इफेक्ट ऐड हो गया है। तो इस प्रकार से आप इस इंस्टाग्राम वायरल रील्स वीडियो को VN एप्लीकेशन से एडिट कर सकते हैं। अब आपको एडिट कर लेने के बाद इसे आपको एक्सपोर्ट करना है। तो ऊपर आपको मिल जाता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पे टिक का ऑप्शन, तो क्वालिटी सिलेक्ट करके और इस टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। VN एप्लीकेशन से आपका वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।